आज पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा की रौनक नजर आ रही है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का स्नान है। गंगा में डुबकी लगाने के लिए देश के कई जगहों से श्रद्धालु धर्म नगरियों में गंगा घाटों में पहुंच रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के खास मौके पर गंगा घाट पर श्रद्धालु की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग श्रद्धा के इस पर्व में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये स्नान साल का अंतिम स्नान पर्व है। कार्तिक पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। आपका मेरा नाम काजल चौहान है। दीदी आज कौन सा स्नान है और कहाँ से आए हैं? मैं आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और मैं नैनीताल से आई हूँ अपने पूरे परिवार के साथ। आज के दिन जाते हैं स्नान करने से जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितरों को शांति मिलती है, ऐसा क्या मतलब क्या मान्यता है इसकी? इसकी मान्यता ये है कि जो भी पितरों को शांति मिलती है वो बिल्कुल ठीक है। और अगर आप कपड़े वगैरह दान करते हैं, सोना दान करते हैं, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, तो आज के दिन वो दान कर देने से तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारे पितरों को भी शांति मिलती है और काफी मन को भी सुकून मिलता है। कहते हैं पूरे महीने जो स्नान न करे आज के दिन स्नान कर ले तो जो पूरे महीने का फल उसे मिल जाता है, मतलब पूरे साल का ही फल मिल जाएगा अगर आज स्नान कर लेगा तो। किस तरह की भीड़ है आज और कैसा आपको स्नान करके लगा और क्या मांगा आपने अपने लिए भी? आज काफी भीड़ है, वैसे मैं हर बार स्नान करने आती हूँ लेकिन आज बहुत ही ज्यादा भीड़ है और मैंने बस यही मांगा कि सब लोग ठीक रहे, अच्छे रहे और काफी सुकून मिला यहाँ के। फिलहाल जो ठंड लग रही थी मुझे वो यहाँ आके नहीं लग रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ के।